कंचन द बेकिंग स्टूडियो बाय सोनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कोकोनट आइसक्रीम लाई हूँ, टेंडर कोकोनट से बनी हुई बहुत ही डिलीशियस आइसक्रीम जो आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इस टेंडर कोकोनट आइसक्रीम को कैसे बनाते हैं। टेंडर कोकोनट आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नॉन डायरी व्हिपिंग क्रीम लिया है 2 कप। इसे हमें चिल्ड लेना होता है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे 2 टेंडर कोकोनट से निकला हुआ जो हमारा नारियल होता है उसके अंदर का क्रीम वो मैंने लिया है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसी से हम इस कोकोनट आइसक्रीम को बनाएंगे। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 1 कप पाउडर शुगर लिया है और 1/2 कप जितना मैं यहाँ पे कंडेंस मिल्क यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं उसी टेंडर कोकोनट का पानी यूज़ कर रही हूँ, अप्रॉक्स 2 कप। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में व्हिप क्रीम को ऐड करेंगे। व्हिप क्रीम को व्हिप करने से पहले हमें इसे फ्रीजर से अप्रॉक्स 1 आवर पहले निकाल लेना होता है और इसे हम इलेक्ट्रिक बीटर की सहायता से बीट कर लेंगे। आप इस प्रोसेस को हैंड बीटर की सहायता से भी कर सकते हैं पर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर आप तुरंत से करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक बीटर बेस्ट होता है। तो इलेक्ट्रिक बीटर से हमें इसे सॉफ्ट पिक आने तक बीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा स्टिफ पिक हमें केक की तरह नहीं चाहिए होता है। अब हम इसे एक साइड रखेंगे और जो हमारा टेंडर कोकोनट है उसे हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा टेंडर कोकोनट मैंने अलग से बचा करके रख लिया है जिसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके अपने आइसक्रीम में ऐड करेंगे। बाकी का जो हमारा कोकोनट है, क्रीम वाला कोकोनट, उसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके और साथ ही साथ 1 कप के जितना टेंडर कोकोनट का वाटर इसमें हम ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स करके पीस लेंगे, जिससे हमें एक बहुत ही डिलीशियस क्रीमी मिक्सर मिल जाएगा। मैं इसे अच्छे से ग्राइंड करके ले आई हूँ। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी ये हमारा कोकोनट लग रहा है। अब वापस से हम अपने क्रीम की तरफ मूव करेंगे और इसमें हम जो हमारा पाउडर शुगर है 1 कप वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ ही साथ 1/2 कप कंडेंस मिल्क भी हम इसी स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों को हम अच्छे से क्रीम में मिक्स कर लेंगे। हाथों से या हैंड विस्क से आप किसी से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है तो हम इसी स्टेज में इसमें जो हमारा क्रीम रेडी हुआ था उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे भी हम मिक्स करेंगे और साथ ही साथ टेंडर कोकोनट वाटर जो हमारा 1 कप बच गया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे। एक बार हम इसमें इलेक्ट्रिक विस्क जो हमारा है वो हम चला लेंगे और ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब हम इस रेडी मिक्सचर को एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे फ्रीज़र में जमने के लिए, सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और उसके पहले मैंने यहाँ पर टेंडर कोकोनट के जो हमने फ्लैसेस थोड़े से बचा करके रखे थे उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। इससे जो एक बाइट हमारे आइसक्रीम में क्रंच ऐड होगा वो बहुत ही डिलीशियस होगा। अब इसे हम ढक करके फ्रीजर में 2 घंटे के लिए सेट करेंगे और उसके बाद हम इसे 2 घंटे के बाद निकाल करके एक बार मिक्स कर लेंगे। 2 घंटा हो गया है और जो हमारा आइसक्रीम है वो थोड़ा सा सेमी सा सेट हो गया है। अब हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। इससे जो हमारा आइसक्रीम है वो और भी ज़्यादा क्रीमी बनेगा और कोई भी आइस क्रिस्टल इसमें अगर बन रहे हों तो वो भी नहीं बनेंगे। अब हम वापस से इसे फ्रीजर में ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। रात भर जम करके हमारा आइसक्रीम पूरी तरह से खाने के लिए रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से सेट हो गया है। तो रेडी है ये हमारा डिलीशियस कोकोनट आइसक्रीम। इसे मैं अब आपको सर्व करके बताती हूँ और साथ ही साथ एक टिप्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हमारा आइसक्रीम पूरी तरह से जमा हुआ हो तो उसे जब हमें स्कूप आउट करना हो तो आप एक बाउल में थोड़ा गर्म पानी ले लें, उसमें अपने स्कूप को, अपने स्पून को डीप करें और उससे जब आप आइसक्रीम को स्कूप आउट करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा आपका आइसक्रीम स्कूप होकर के बाहर आएगा, जैसे कि अभी मेरा ये आइसक्रीम आ रहा है। ये डिलीशियस कोकोनट आइसक्रीम बहुत ही डिलीशियस बना है। इसे एंजॉय करें और यूं ही मेरे चैनल पे बने रहें। तो ये डिलीशियस आइसक्रीम को एंजॉय करें और मेरे चैनल पे बने रहें। इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी ढेर सारी कमेंट्स मेरे चैनल पे करते रहें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी रेसिपीज़ को भी शेयर करते रहें। थैंक यू।